दरभंगा जिला में बेमौसम बरसात से किसान हुए परेशान। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो गेहूं की खेती, दरभंगा जिला में सभी जगहों पर सभी प्रखंडों में यही हाल है। खेत की खेत जो खासकर गेहूं का जो फसल है वो झुक गया है, और झुकने के कारण ये कयास लगाया जा रहा है और किसान ये मानते हैं कि खेती इस बार गेहूं की बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में जो किसान हैं वो अब अपने क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी का जो खासकर जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इंटरव्यू सुनाएंगे किसान हैं, उन्होंने क्या कहा है। ये जो तस्वीर है वो दरभंगा के सिधौली गांव का तस्वीर है, जहां पर देख सकते हैं ये घटना हुई है जिसमें कि तेज जो बरसात हुई है उसमें पूरा नुकसान हो गया है। जिला में बीती रात तेज बारिश और तेज हवा के कारण किसानों के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। खेत में पड़ी गेहूं की फसल से बेहतर उपज मिलने की उम्मीद धराशायी हो गई है। कृषि के जानकारों की माने तो गेहूं पक जाने के बाद अगर बारिश होती है तो गेहूं के दाने काले पड़ने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैं सोनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बिहार, आप सबको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ समस्त मिथिला वासियों को इस रंग के त्यौहार को खुशी से मनाने का। क्या हुआ है ये अचानक कैसे हो गया? हवा से, पानी से गिर गया, हवा मानसूनी से। कब से हुआ ये? कल हुआ रात में। तो ये मतलब तेज हवा चल रही थी क्या? हाँ, तेज हवा और बारिश दोनों चल रहा था, पूरा ऊपर से भी हवा। मौसम बरसात हुआ, हवा बहुत तेज चला है, इससे गेहूं पूरा नष्ट हो गया। हम लोग 60 रुपए किलो गेहूं खरीद के बिया और इसमें हाईब्रिड लगाए हुए हैं। और खाद कैसे खरीदे थे? खाद तो बहुत महंगा खरीदे थे, 40 रुपए किलो। कहाँ से लिए थे? अपने गांव से, 40 रुपए किलो जी। और ये मतलब क्या लग रहा था कि गेहूं बहुत अच्छा? गेहूं बहुत अच्छा था, हाईब्रिड का दाना था, गाछ बहुत अच्छा था, इसलिए वर्षा इतना हुआ, हवा हुआ जो बेमौसम गिर गया। अच्छा, जो गिर गया है वो बर्बाद हो गया? हाँ, वो बर्बाद हो गया पूरा, वो खत्म हो गया। तो इसमें जो गेहूं है वो अच्छे से नहीं होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, सूख जाएगा पूरा। तो ये सभी खेतों का यही हालत है? सब पूरा खेत का यही हालत है। तो हायाघाट में कृषि पदाधिकारी को जानते हैं कौन है? नहीं नहीं, खेती करते हैं ना आप? हाँ, तो हाँ। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। आपके पंचायत के कौन है कृषि पदाधिकारी, जानते हैं उनको? नहीं, देखे भी नहीं, नहीं। आते हैं कि नहीं मिलते? नहीं, कहाँ कोई मिलने के लिए। ना ना, कौन सा पंचायत है ये? ये सिधौली पंचायत है। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या मांग क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक, विधायक जी से मांग क्या कर रहे हैं और कृषि पदाधिकारी सबसे क्या मांग कर रहे हैं? जो इसका क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलना चाहिए, ये इतना महंग सब गेहूं का बिया खाद सब बर्बाद हो गया किसानों के लिए। हाँ। अच्छा, कभी मिला है ऐसा लगता है कि विश्वास है? नहीं मिला है, विश्वास तो ऐसा है जो अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, अब आगे देखिए। क्या नाम है आपका? बद्री नारायण चौधरी, वार्ड वार्ड नंबर 1।